हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत स्पेशल वीडियो जो है मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। टाइटल पढ़ के आप लोग को पता चल ही चुका होगा। जी हाँ, आज मैं अपने प्रेगनेंसी का जो स्टोरी है आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे जो स्टोरी है थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जो ये आप लोग को वीडियो देख के थोड़ा देर के बाद पता चल जाएगा कि क्यों डिफरेंट है। जैसे कि सबका प्रेगनेंसी 9 मंथ कुछ दिन में होता है, 9 मंथ कंप्लीट हो जाता है, किसी किसी का 10 मंथ तक हो जाता है, लेकिन मेरा जो प्रेगनेंसी है 7 मंथ में हो गया है, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया था। और जो मेरा बेबी है वो प्री मेच्योर बेबी है, तो उसका जो फर्स्ट डे का फोटो है वो मैं इस वीडियो में कहीं भी आपको दे दूंगी। ज़्यादा कुछ मेरे पास क्लिप नहीं है या वीडियो नहीं है, थोड़ा सा जो है फोटो है, जॉय का फोटो है, मेरा तो नहीं है। तो मैं आपको स्टोरी बताने शुरू कर रही हूँ। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर दोनों सही था, मतलब फर्स्ट 3 महीने, उसके बाद नेक्स्ट 3 महीने, टोटल 6 मंथ जो है काफ़ी अच्छे से चला, कोई प्रॉब्लम नहीं था। डॉक्टर को दिखाते थे रेगुलरली, हम लोग जाते थे हर महीने चेकअप करने, अल्ट्रासाउंड भी करते थे, तो सब ठीक था। जैसे कि 7 मंथ शुरू हुआ, उसके बाद कुछ दिन के बाद, मतलब 7 मंथ 2 डेज 3 डेज हुआ होगा, तो मेरा अचानक से जो है पानी जो है लीकेज होने लगा। तो मुझे पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो मुझे लगा शायद जो है ये यूरिन जो है वो निकल जा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ मैं, तो इसलिए मैं जो पैड पहनते हैं उसी को पहनने लगी। कुछ दिन तक 2-3 दिन ऐसे हुआ तो फिर भी वो बंद नहीं हो रहा था, कंटिन्यूसली ऐसे चल रहा था, तो मैं जान नहीं पाई कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद जो है जॉय के पापा ठीक टाइम में घर में नहीं थे, वो आउट ऑफ स्टेशन गए थे, तो उनको आने तक मुझे वेट करना पड़ा, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि कोई सीरियस प्रॉब्लम है बोल के। तो ऐसे करके 6-7 दिन चला गया। जब वो आए तो तुरंत हम लोग जो है जिस हॉस्पिटल में जहाँ पे जो गायनोकोलिस्ट को दिखाते हैं उनके पास जाके हम लोग दिखाए, तो वो बोले कि आपका जो जिस थैली में पानी रहता है, जिसमें जिसके अंदर बच्चा रहता है, वो थैली का जो पानी है वो कम गया है, तो आप अगर कोई तो एक दो ठो जो है उसका एक सोल्यूशन मिलता है, उस सोल्यूशन को आप अगर ले लेंगे तो आपका पानी जो है ठीक हो जाएगा। तो हम लोग वही किए, जाके हॉस्पिटल में 2 दिन भर्ती होके जो है सलाइन ले लिए, जो सोल्यूशन वो बताए थे डॉक्टर, उसका नाम मुझे नहीं पता क्योंकि काफ़ी दिन हो चुका है, तो फिर भी जो है लीकेज हो रहा था, वो बीच बीच में ज़्यादा हो जा रहा था, बीच बीच में कम हो जा रहा था, ऐसे करके करीब 9 दिन गुजर गया। तो हम लोग फिर दूसरे डॉक्टर से दिखाए, ऐसे करके 2-3 डॉक्टर को हम लोग 2-3 दिन में पूरा घूम घूम के दिखाए हैं। तो नेक्स्ट डॉक्टर जो दिखाए, फिर वो अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोले, तो एक बार में जो पानी का क्वांटिटी रहता है 5 कुछ दिखाया, तो लास्ट जो डॉक्टर के पास दिखाए वो बोले कि आपका जो पानी का क्वांटिटी है बहुत कम गया है, जिस थैली में पानी रहता है वो फट गया है, जिस थैली में बच्चा रहता है वो थैली जो है फट गया है, तो अभी क्या कर सकते हैं। सब डॉक्टर मुझे ऐसे चेकअप करते थे और बोलते थे कि बच्चा मूव कर रहा है, तो बच्चा मूव कर रहा है, तो मैं बोलती थी हाँ बच्चा तो सही से मूव कर रहा है, उसका मूवमेंट है बोल के, तो ऐसे करके। तो लास्ट जो डॉक्टर देखे वो बोले कि अभी और कोई चांस नहीं है, अगर आप जल्दी से कुछ नहीं करेंगे तो बच्चा पेट के अंदर ही खराब हो सकता है, तो वो बोले कि जैसे भी हो सीजन करके निकालना पड़ेगा, पानी तो कोई चांस नहीं था, पानी बहुत ही कम हो चुका था, पूरा लगभग कम ही हो चुका था, 9 डेज जो है बच्चा कैसे मेरे अंदर सर्वाइव किया मुझे खुद भी नहीं पता। तो हम लोग और डॉक्टर मुझे चेकअप कर लिए और मुझे बाहर बैठने के लिए बोले, और उसके पापा जॉय के पापा जो हैं वो बात कर रहे थे, तो उनको सारे बातों बताई, उसके बाद जो है हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा और ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी करना पड़ेगा बोली थी, लेकिन उसके पापा जो है मुझे नहीं बताए, वो बोले कि शायद ये डर जाएगी बोल के। तो
जब हम लोग कार में आ रहे थे तो बोले कि डॉक्टर बोली है कि अभी थोड़ा हम लोग को जो है एक दो दिन हॉस्पिटल में रह के चेकअप करना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट हो गए। उसके बाद जो है पापा को सामान लेने के लिए बाहर गए थे तो नर्स आई और मुझे बोली कि ये सलाइन लगाना पड़ेगा क्योंकि कल मॉर्निंग में जो है आपका ऑपरेशन है, सी सेक्शन है। तो मैं अचानक से डर गई क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि सी सेक्शन कैसे होते हैं और ये करने वाले हैं, क्योंकि जो है कि पापा मुझे बताए थे कि जस्ट चेकअप के लिए रखे हैं। तो मैं बहुत रोने लगी। उसके बाद उसके पापा बोले कि जैसे भी तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कोई अदर ऑप्शन नहीं है, बच्चा पेट में खराब हो जाएगा और वो जो इफेक्ट मेरे ऊपर भी पड़ेगा, तो दोनों का जो है लाइफ बहुत डेंजर में था। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 बजे जो है मेरा टाइम दिया हुआ था, तो एक रात कैसे गुजरा मुझे ही पता है। तो सुबह सुबह जो है मॉर्निंग में डॉक्टर 6 बजे पहुंच गई थी। तो जो नर्स सब हैं मुझे सी सेक्शन करने के लिए जो उसका यूनिफॉर्म ड्रेस सब जो पहनाने लगे और उसके बाद जो है मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। वहाँ पे 3 डॉक्टर थे, एक लेडीज डॉक्टर थी और तीनों डॉक्टर जो है काफ़ी अच्छे थे। और जो डॉक्टर मुझे देख रही थी वो बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस डॉक्टर थी। तो 6 बजे बोले थे और 6 बजे जाते ही मुझे जो आपका जो सी सेक्शन से पहले एक इंजेक्शन देते हैं वो इंजेक्शन मुझे दे दिए और उसके बाद बोले कि अब आपका जो पेट से नीचे का हिस्सा हिला नहीं सकते ये इंजेक्शन देने के बाद, तो पीछे जो मेरुदंड रहता है उसी में ही दिया गया था बीच में। एक बार दिए तो अच्छे से नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है और एक बार दिए तो अच्छे से हो गया। उसके बाद वही डॉक्टर की मुझे थोड़ा सा पैर हिला के देखो, तो मेरा पैर मैं उठा नहीं पा रही थी, तो नीचे का हिस्सा जो है मैं हिला नहीं पा रही थी लेकिन ऊपर में मेरा सेंस सब कुछ ठीक था, तो काफ़ी डर लग रहा था। तो डॉक्टर बोले कि अभी कुछ देर के बाद हम लोग सी सेक्शन करेंगे और हम देखना चाहते हैं क्या। तो मैं बोली नहीं मुझे नहीं देखना है, मुझे काफ़ी डर लग रहा था। तो मैं बोली मेरे आई में जो है पट्टी लगाया हुआ था, तो बोली मैं मुझे बिल्कुल नहीं देखना है, लेकिन मैं सब सुन पा रही थी तो मैं पट्टी लगाने रहने दी। उसके बाद जो है थोड़ा देर के बाद करीब 5 मिनट के बाद एक डॉक्टर मुझे बोलते हैं कान में कि आपका बेबी बॉय हो गया है। मैं इतना जल्दी हो गया है मुझे कोई आइडिया नहीं था कितना टाइम लगता है, क्या लगता है, कुछ नहीं, तुरंत ही हो गया। हाँ बीच में जब मुझे दिए वो लोग बोले अभी हम शुरू कर रहे हैं, उसके बाद जो है मेरे पेट के नीचे से जैसे बच्चे को घींच के निकालते होंगे तो यहाँ पे जो है पेट के पास बहुत मूवमेंट पता चला, जैसे कि मेरा अंदर का जो सब कुछ हिल रहा है टाइप का लग रहा था। तो लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था कुछ भी, तो उसके बाद उसका आवाज़ भी नहीं सुनाई दिया क्योंकि तुरंत ही उसको निकाल के वो लोग दूसरा जो रूम है उसमें ले गए और वो बहुत छोटा था तो उसका जो वॉल्यूम है बहुत कम था, रोने का आवाज़ जो है बहुत कम था। तो उसका वेट जो था 1.6 kg था, जो नॉर्मल बेबी रहते हैं उनका 3.5 kg मैक्सिमम रहता है, 3 kg रहता है, मेरे बेबी जो है 1.6 kg था। और उसमें भी हम लोग श्योर नहीं थे कि बेबी ठीक से होगा कि नहीं, सब कुछ ठीक से होगा कि नहीं, क्योंकि डॉक्टर पहले से बोल चुके थे कि पता नहीं क्या होगा, अच्छे से अगर अंदर में बना होगा कि नहीं बना होगा। तो सब कुछ उसका ठीक था लेकिन थोड़ा सा जो है उसका आईब्रो जो है आईब्रो का बाल नहीं था, वो ग्रो नहीं हुआ था, आईज जो है वो भी ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ था, बिल्कुल हल्का हल्का सा था। उसके बाद जो है उसका लिप्स बहुत ही रेड था और उसका हाथ का जो स्किन था वो बहुत पतला था, अंदर का जो सीरा रहता है वो सब आप लोग देख सकते हैं ऐसे था। तो और उसका जो सिर रहता है इस पोर्शन में इतना इतना बड़ा जो है खाली स्किन था, उसका जो अंदर रहता है नॉर्मली जो बच्चे पैदा होते हैं उतना जगह इतना जो स्पेस है छोटा सा स्पेस रहता है जो कि फिल नहीं हुआ रहता है,
लेकिन जो है कि मैं इतना बड़ा जगह जो है खाली हो गया था, खाली था क्योंकि उसका ब्रेन जो है अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था, बना नहीं था, क्योंकि मैन जो है लास्ट 2 मंथ जो रहता है 7, 8, 9 मंथ उसी में जो है बेबी बहुत जल्दी ग्रो करता है और बहुत अच्छे से, जो फर्स्ट 6 मंथ तो पता ही नहीं चलता कितना क्या हुआ है, ज़्यादा वेट भी नहीं बढ़ता। लास्ट जो 2 मंथ रहता है उसमें बहुत जल्दी जल्दी, अगर फर्स्ट मंथ में 6 मंथ में आपका अगर आधा आधा किलो बढ़ता होगा तो लास्ट 2 मंथ में 1-1 किलो करके बढ़ जाता है वेट, तो बहुत ही कम वेट था। और ये सब सारा चीज़ है, उसका मूवमेंट जो है हाथ का जो मूवमेंट, पैर का जो मूवमेंट वो भी बहुत ही स्लो था, तो हम लोग तो डर गए थे। तो उसको जो है हम लोग लाइट में रखते थे, गर्म चाहिए था उसको, तो मुझे नहीं पता कि क्या बोलते हैं उसको, जो बॉक्स टाइप का रहता है उसमें लाइट रहता है उसी में रखे थे। तो उसके बाद जो है 1-2 दिन के बाद जो है उसको थोड़ा सा जंडिस हो गया था, तो मेरे सामने और एक तो बेबी जो है वो दूसरा लोग किसी और का, उनका भी बेबी को जंडिस हो गया था, तो वो लोग भी रखे थे लाइट में, लाइट देते हैं जंडिस हो गया होगा तो, थोड़ा सा उसको हल्का सा पीछे तरफ हो गया था। तो मैं उनका बेबी और मेरे बेबी को कंपेयर करके देखी, मेरा बेबी इतना छोटा, उसका टोटल लेंथ जो है इतना होगा, हाथ में अगर देखेंगे तो आप इतना होगा, और मेरे बेबी का डबल उनका बेबी है, 1-2 दिन का गैप था। तो उसी समय कोई बाहर में बोला कि हमारा भी जो बेबी था वो बहुत छोटा था, और हम लोग जो उसको मालिश कर रहे थे ऐसे एक फिंगर में जो है उसको मालिश कर रहे थे, इतना छोटा था। तो उसको सुन के मुझे थोड़ा सा जो है अच्छा लगा, जैसे कि भरोसा आया कि हाँ क्या होगा नहीं। पहले पहले डर लगता था कि पता नहीं, वो डॉक्टर बोल देते थे कि पता नहीं अगर 10 दिन या कुछ दिन सर्वाइव कर लिया तो ठीक है, नहीं तो ये हो सकता है वो सब, ऐसे सब कुछ बहुत सारे चीज जो है बोल चुके थे, तो काफ़ी डर गए थे हम लोग। फिर भी जो है हम लोग बहुत केयर करके, बहुत ही प्यार से जॉय को अभी बड़ा कर चुके हैं, अभी वो 5 ईयर्स का हो गया है और काफ़ी हेल्दी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उसको, बहुत ही अच्छे से बड़ा हो गया है। लेकिन जो 1-2 साल रहता है ना, सबसे ज़्यादा जो 2 महीने रहता स्टार्टिंग का, बहुत ही हेडेक था, और बहुत ही मतलब हम दोनों दिन और रात एक करके उसको पढ़ा किए हैं। जिनका प्री मेच्योर बेबी होगा उनको ज़रूर पता होगा कि कितना डिफिकल्ट होता है एक नॉर्मल बेबी को, एक नॉर्मल बेबी से प्री मेच्योर बेबी को पालना, क्योंकि नॉर्मल बेबी को पालना उतना डिफिकल्ट नहीं है, वो इवन ब्रेस्ट फीडिंग भी कर नहीं सकता था, तो उसके लिए भी हम लोग बहुत स्ट्रगल किए और उसको सिखाए, और उसमें भी मुझे 1-2 महीने लग गया। तो उतना दिन तक भी हम लोग कैसे पिलाए होंगे वो आप लोग खुद अंदाज कर लीजिए। तो इसी तरीके से जो मेरा क्यूट बेबी लिटिल जॉय, उसका नाम हम लोग दिए हैं जॉय, जॉय इसलिए क्योंकि वो हम लोग के लाइफ में बहुत ही खुशी लेके आया है, उसके बिना हम लोग एक दिन भी नहीं रह सकते। तो मैं तो जब से जॉय पैदा हुआ है उसको एक दिन भी कहीं छोड़ के नहीं गई हूँ, कहीं भी जाती हूँ उसको लेके जाती हूँ कहीं भी। अभी अभी वो स्कूल जाता है, उतना टाइम खाली वो मेरे से अलग रहता है, बाकी टाइम वो हमेशा मेरे साथ रहता है, और मेरा जो काम है वो भी घर में ही है, ऑफिस जो है घर में ही भी है, तो काफ़ी अच्छे से जो है मैं उसका ख्याल रखती हूँ। तो 2 साल तो 2-3 साल तो कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला, अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं दिए। बच्चा जो है पालना बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल काम है, जो कभी मम्मी नहीं बने हैं उन लोग को कभी नहीं पता होगा, जो मम्मी बन चुके हैं उनको पता होगा कि बच्चा पैदा करके उसको पालना कितना मुश्किल है। तो उसका नाम इसलिए जॉय रखे हैं क्योंकि उस लोग वो हमको बहुत खुशी दिया है, इसलिए उसका नाम जॉय जेम्स रखे हैं। तो यही था आज के वीडियो में, आई होप आप लोग को ये वीडियो देख के जरूर कुछ ना कुछ आइडिया मिल गया होगा कैसे क्या होता है प्रीमेच्योर बेबी होने से, और
इसके बाद जो है प्रीमेच्योर बेबी पालना कैसे है, कैसे हम लोग उसको पाले बड़ा किए, अगर उसको भी देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं जरूर बनाऊंगी उसका नेक्स्ट पार्ट टू जो है, क्योंकि इसमें बहुत काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुका है, ऑलरेडी 15 मिनट हो चुका है। तो नेक्स्ट कभी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि उसको बड़ा कैसे किए हम लोग। तो यही था आज के वीडियो में, आई होप आप लोग जरूर पसंद आया होगा और जरूर कुछ ना कुछ इससे हेल्प मिलेगा, आप नहीं तो किसी और को जरूर हेल्प मिलेगा। फ्यूचर में किसी के साथ ऐसा कभी नहीं हो, अगर ऐसा सिचुएशन आए तो जरूर मेरे वीडियो से, आई होप मुझे जरूर पता है कि किसी ना किसी को देख के कुछ ना कुछ तो आइडिया मिलेगा, तो इसलिए मैं सोची कि जरूर इस वीडियो को शेयर करना चाहिए आप लोग के साथ। तो यही था आज के वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।